नमस्ते जी, नमस्ते। आपका वृद्धाश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वैसे तो मैं यहाँ बहुत ही कम दिनों के लिए आया हूँ। जैसे ही मेरा घर पूरा हो जाएगा, मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा। तो अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है। हाँ हाँ, आपका बेटा भी जरूर आएगा जी। जी जरा आप मुझे अपना फोन देंगे, मैं बेटे को अपने फोन कर लूं। क्या बात जी, लगता है आपके बेटे ने आपका फोन नहीं उठाया। चलिए छोड़िए, मैं तो कहता हूँ आप भी यहाँ की रहने की आदत डाल लें। यहाँ भजन कीर्तन खाना पीना और सब कुछ टाइम से रोता है। आप भी यहाँ पे रह लीजिए, बढ़िया जगह है ये हमारे लिए। ना ना जी, मैं तो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, और ना ही वो। मैं तो यहाँ से जल्दी ही जल्दी चला जाऊंगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं अब चलता हूँ। अरे शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अरे जरा मेरे बेटे को बुला दीजिए। अरे भाई को इनके बेटे को बुलाओ, कोई डॉक्टर को फोन करो, कोई बुलाओ इनके बेटे को। अरे छोड़िए, आप बस मुझे मेरे बेटे की तस्वीर दे दीजिए। जी जी जरूर। मेरा बेटा आएगा आएगा, आएगा। क्यों बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे भूल जाते हैं? आखिर क्यों वो उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं? आखिर क्यों जिन्होंने खुद का घर बनाया वो खुद के घर में नहीं रह पाते हैं? आखिर क्यों? आज मैंने फिर से अपना एक दोस्त खो दिया। अरे भाई, इनका सामान उठाओ, कोई उठाओ, इनके बेटे को बुलाओ, कल यहाँ फिर से किसी ने आना है।